दुकान पर गई नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण कर रेप करने की कोशिश। पूरा मामला जिला हमीरपुर के मोदहा कोतवाली पाटनपुर का है, जहां खुशबू श्रीवास पिता कल्लू श्रीवास। खुशबू श्रीवास उम्र 14 वर्ष है। उसकी मां ने खुशबू को पड़ोस की ही दुकान सीपू कलार के यहां माचिस मंगवाने के लिए भेजा था। माचिस लेने गई नाबालिग बच्ची को अकेला पाकर दुकानदार सीपू कलार बच्ची को कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर किसी वस्तु में खिलाकर उसको अंदर ले जाकर उसके साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश की। जैसे ही लड़की अपने को खुला पाकर जान बचाकर अपने घर आई, तभी खुशबू श्रीवास अपने मां को अवगत कराया। उसकी मां ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर आकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। कल रात में पुलिस विभाग को द्वारा जानकारी दी गई थी कि बच्ची के साथ नशीला पदार्थ उगा करके दुष्कर्म किया गया है, लेकिन पुलिस विभाग का कहना है कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई, केवल बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, नशीला पदार्थ नहीं सुंघाया गया। उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नशीला पदार्थ सुंघाया है उन्होंने। आपको कैसी जानकारी? हमें जानकारी हुई कि लड़की बेहोश हुई थी, और जब लड़की वो बेहोश होके खुल गई है, फिर उन लड़की ने मेरी ने बताया है कि मम्मी कुछ सुंघाया है मेरे नाक में, तो मैं ऐसी गिर गई हूँ, फिर मेरे साथ गलत काम किया है, उसको कड़ी सजा मिलना चाहिए। ग्राम पाटनपुर थाना दीवार में कल शाम 5 बजे घटना है। एक लड़की 14 वर्षीय 80 बरादरी की गई थी माचिस लेने विजय के दुकान पर, और बाद में उसने दफ्तर शिकायत किया कि विजय ने दुकान बंद करके उसके साथ रेप किया। उसकी माँ और पिता ने जाकर थाने पर लड़की को ले जाकर मुकदमा पंजीकृत करा। थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद विवेचना की गई CO मौदा द्वारा, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ मीडिया में ये चल रहा है नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ घटना की गई है, इसकी बात गलत है। लड़की को दुकान में ही पकड़कर उसके साथ किया गया है। नशीला पदार्थ खिलाने के बाद न तो लड़की ने बताया न तो उसके परिजन ने बताया।